ये उस तरफ झाड़ियों में मोर बैठा है जो बोल रहा है। पक्षियों की अपनी आवाज़ें हैं। चारों तरफ तितलियों के झुंड जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तितलियों का लोक ही हो, जैसे तितलियों की दुनिया में ही आ गए। अभी जब मैं सड़क पर आ रहा था तो बहुत सारी तितलियाँ जो है वो मुझसे टकराई है, कपड़ों पे भी लगी है, हेलमेट पे भी लगी है, सब तरफ। ये लिंक रोड है जो बीकानेर, पोखरण, बाड़मेर, कांडला की तरफ जाती है, मेगा हाईवे है और बहुत शानदार सड़क बनी हुई है और कंटिन्यू मेंटेन करते रहते हैं इसको। और ट्रैफिक भी कम है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। गुजरात से जो लोग रामदेव आते हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव इस रोड पे रहता है। इस तालाब में यहाँ चारों तरफ कुछ सफाई की ज़रूरत है। शायद इन्होंने बबूल वगैरह काटे होंगे और फिर बारिश आनी शुरू हो गई तो वो इनको हटा नहीं पाए होंगे, मगर उसकी खुदाई जो है निरंतर जारी है। यानी लोगों का इसके कैपेसिटी बढ़ाने पर पूरा ध्यान है और उसके लिए वो जुटे हुए भी है, सारे प्रयास भी कर रहे हैं। इस तरीके से जो अलग अलग जगहों से जो टुकड़ों में इसकी खुदाई हुई है तो वहाँ अलग अलग तरीके से उनमें पानी जमा हुआ, एक तरीके से इन जल स्रोतों में पानी कैद सा है। टिटहरियाँ अपना काम कर रही है। इस तरह के पेड़ और तालाब और पक्षियों का बोलना जब मैं सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो पापा नंदन और चंपक की किताबें लाते थे, हम लोग उनको पढ़ते थे और उसमें बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक जंतु जगत की कहानियाँ होती थी, जिसमें अक्सर एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सर्दियों में मैं रजाई ओढ़े हुए उसमें उसको पढ़ा करता था चंपक में, कि पेड़ों के इस तरह के क्वार्टर में कहीं उल्लू बैठा है अपने बच्चों के साथ और उसके एक परिवार को लक्षित करके कोई कहानी उसमें कही गई थी। ऐसी इस तरह की कहानियाँ याद आती है। बच्चों में जो चीज़ आप सीख लेते हैं वो जीवन भर आपको एक दुनिया को देखने का अलग दृष्टिकोण देती है। तो मैं ऐसे जब भी ऐसे कोई क्वार्टर देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बचपन के समय भी कैसा शानदार प्राकृतिक दृश्य हुआ करता था। आजकल सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। ये जैसे कि किसी पक्षी की बहुत अच्छी स्थली हो सकती है, कोई बड़ा बाज वाज यहाँ बैठ सकता है। मुझे नहीं पता आपको तितलियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ये देसी बबूल है, बहुत ही शानदार वृक्ष होता है इसका। इसके गोंदों भी लगता है जो बहुत अच्छा होता है, जिसको औषधियों में भी काम में लेते हैं। वो जो बबूल देखते हैं अपन बहुतायत कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब तरफ मिलता है, वो कोई ज़्यादा काम नहीं आता। वो तो बस कहते हैं इसराइल से उसके बीज ला करके डाले गए थे, इंदिरा गांधी ने डलवाए थे पूरे रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए, और आज वो एक जहर की तरह यहाँ फैल चुका है। यहाँ पर वेरी बैड, ये कुछ है क्या है, नील गाय का बच्चा यहाँ पर मर गया है। कैसे मरा होगा कुछ पता नहीं, शायद रोड पर इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि सड़क पर जिस तरीके से इसका पांव टूटा हुआ है उसे लग रहा है कि सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है इसका, या फिर क्या हुआ होगा, कुछ कह नहीं सकते, मगर आज या कल ही मरा है ये। ज़्यादातर चांस तो ये लग रहा है कि ऐसे मरा होगा ही।
और तो इसके कोई मरने का कारण नज़र नहीं आता, मगर उसका वो जो पांव है, पीछे वाला जो राइट लेग है, वो एकदम हड्डी के पास से वहाँ से टूटा हुआ है। तो वो अमूमन रोड एक्सीडेंट में ही टूट सकता है, या फिर इनकी लड़ाई होगी उससे टूटा होगा, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मरा होगा, कुछ तो हुआ इसके साथ। ये बैर का पेड़ है, बैर की झाड़ी है जिस पे बैर लगने शुरू हो गए हैं, और ये लाल लाल बैर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ के जो डेजर्ट फॉक्स है और जो सियार वगैरह होते हैं यहाँ के, वो भी इन चीज़ों को खाते हैं, और पक्षी तो खैर खाते ही है, तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अभी ये सीज़न है बैर की, तो लाल लाल बैर बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत मीठे होते हैं, खाने चाहिए। प्रकृति में जो चीज़ सुलभ होती है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। ये इस तालाब का इस तरीके, इस दिशा से दृश्य, मैं उत्तर की तरफ खड़ा हूँ और इसका विस्तार जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इधर पीछे यहाँ तक उधर गया हुआ है। यहाँ की लोकल झाड़ियाँ, लोकल वनस्पति, क्या नाम है इसका मुझे मालूम नहीं, मगर इनके ऊपर फलियाँ लगी हुई, और मैं जब बचपन में ननिहाल आता था तब भी ऐसे ही घास फूस यहाँ हुआ करते थे, अभी भी वैसी है, वही वैरायटी है, कोई इसमें चेंज नहीं। इसकी फलियाँ जो है वो आगे फिर वापस धूप और तापमान के बढ़ने से फट करके इसके बीज यहाँ बिखर जाते हैं, तो पुनः ये फिर अगले साल अंकुरित हो जाती है। इस तरीके से इसका ये चक्र जो है वो चलता रहता है प्रकृति का, और जब काली पीली ज़बरदस्त आंधी आती है तो ये ज़मीन परिवर्तन भी करती है कि फलियाँ इधर से उधर चली जाती है। वो दूर वहाँ एक गाय का बछड़ा जो है वो घास चर रहा है, उसकी चराई हो रही है। पर अभी हम जब बात कर रहे थे तब छोटे छोटे बादल थे, और ये चारों तरफ से बहुत गहरे गहरे बादल आ रहे हैं।